डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट आ जाता है। सो हाय गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये इंटेलिजेंट हेल्थ क्या है ब्रेसलेट। तो इसका नाम M3 है। तो अभी हम इसको खोल के देखेंगे। तो इसका फर्स्ट साइड तो ऐसा है जिसको आपने देख लिया होगा। साइड में इसके फीचर्स है, इधर भी इसके फीचर्स है प्रॉपरली एकदम। और ये फेसबुक नहीं दिखाता, सिर्फ इसके मैसेज पढ़ के दिखाते हैं। अभी हम इसको खोलेंगे। तो ये बॉक्स के अंदर हमें ये ब्रेसलेट मिल जाता है जिसको हम वॉच भी बोल सकते हैं। और उसके अंदर हमें एक मैनुअल मिलता है जो कि ये है। तो मैनुअल के इस साइड में जैपनीज या फिर चाइना में कुछ तो लिखा है जो कि मेरे को दोनों भाषा नहीं आते। और इस साइड में हमें इंग्लिश में लिखा है, पर मैनुअल कौन पढ़ेगा। तो ये डब्बा या मैनुअल सिर्फ हमें इस डिवाइस से मतलब है। रुको। और ये चार्जर इसका, जो कि इसको हम ऐसा लगा सकते हैं। तो हमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कचरा है। तो अभी हम इस वॉच की तरफ बढ़ेंगे। अभी इसका टाइमिंग बहुत गलत है, बहुत। तो अगर हमें इसका टाइमिंग सही करना होगा तो हमें ये ऐप लेना पड़ेगा जो कि एंड्रॉयड में मिल जाता है या फिर iOS में भी मिल जाता है, योहो स्पोर्ट्स। तो आज ये डाउनलोड करिए। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो फिर इधर इसकी सेटिंग्स है। तो इसमें डिवाइस में जाके इस डिवाइस का नाम आ जाएगा। तो इसका नाम आप देख सकते हैं मैक A4C1B4 कुछ तो था। तो अभी इधर भी लिखा है मैक A4C1B4। तो अभी हम इससे ये कर लेंगे और ये कनेक्ट हो गया है, मतलब बाउंड लिखा है मतलब कनेक्ट हो गया है और इसका सब लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं अभी इसका टाइम भी चेंज हो गया, टाइम अभी परफेक्ट हो गया। तो अभी हम ये इससे लगा लेंगे, हमारा ब्रेसलेट बनेगा। फिर बहुत बड़ा शब्द यूज़ कर लिया, ब्रेसलेट। तो अभी हम इसको देख सकते हैं ऐसा ब्रेसलेट में कन्वर्ट हो गया है ये। ठीक से लगाएंगे। तो ये इसका मेन्यू है, फर्स्ट वाला साइड का। और इसमें आप देख सकते हैं स्टेप का है, मतलब पेडोमीटर, ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, ये अपना ये हिट का, और ये मोशन, और ये मोड। आप ऐसा प्रेस करेंगे सीधा तो ये आपको और करेगा, और अगर आपको किसी को सिलेक्ट करना है तो आपको ये दबा के रखना पड़ेगा। तो अभी ये मैंने ब्लड प्रेशर मॉनिटर चालू किया है। अगर आप देख सकते हैं अभी ये लाइट जमेगी और इधर मेरे को इसके हाथ पे लगाएगा। ये बहुत टाइम ले रहा है। तो ये मेरे को मेरा 69 है ब्लड प्रेशर ऐसा बता रहा है। मेरे को नहीं लगता ये असली होगा, मतलब एक एस्टिमेट ऐसा हो सकता है। तो अभी हमें इसमें इसके ऐप के साथ बहुत कुछ मिलता है, शेक फॉर सेल्फी, स्मार्ट अलार्म, फाइंड बैंड के। अभी हम इसको दबा देंगे फाइंड बैंड को। कुछ नहीं, सिर्फ वाइब्रेट हुआ, फाइंड बैंड दबा है मैंने, वाइब्रेट हो रहा है, मतलब अलार्म के लिए भी ये वाइब्रेट ही होता है। और शेक फॉर सेल्फी अभी हम ये ट्राई करेंगे। तो अभी हम इसको शेक करेंगे और ये कैनल के कैमरे के लीड को, मतलब आगे का वो कवर होता है, ये इसको फ़ोटो निकालेगा क्योंकि कैनन ने हमको स्पॉन्सर किया। तो अभी हम इसको शेक करेंगे। तो ये टाइम लेता है ऐसा, तो ये इसको ज़ोर से शेक करना पड़ता है। और इधर इतनी स्पेस नहीं, मैं इसको शेक करूँ तो ज़रा साइड में करता हूँ। तो अभी हमने इसको हिलाया तो ये फ़ोटो आया। फिर से ट्राई करेंगे, ऐसा 3-2-1 लिख के आता है। देखो, आप देख सकते हैं 3-2-1 फ़ोटो आया। तो आपने इसका ये फीचर तो देखा ही होगा। तो अभी आपने हमारा ये शेक फॉर सेल्फी देखा होगा, फाइंड बैंड भी देखा होगा जिसमें ये वाइब्रेट करता है। अभी हम स्मार्ट अलार्म देखेंगे। अलार्म वर्क्स ऑन बैंड व्हेन इट्स कनेक्टेड। चालू तो है भाई, अच्छा कनेक्ट कर,
अच्छा करिए। तो ये अलार्म हम लगाएंगे अभी, ये 5:17 है ना, 5:18 का अलार्म लगाएंगे सेफ। तो अभी हमने 5:18 का अलार्म लगाया, तो जैसे कि 5:18 हो जाएंगे ये वाइब्रेट करना शुरू हो, तो ये 5:18 को वाइब्रेट करना लगता है और ये अलार्म का सिंबल आ रहा है। तो मैंने बंद कर दिया अभी इधर, अब देखा होगा आपने अलार्म का, तो ये अलार्म भी होता है। तो यही 3 फीचर्स थे। तो अभी हम वॉच की तरफ बढ़ेंगे। तो ये स्टेप है पेडोमीटर, जो कि ऐसा आप चलते तब फिलते तब स्टेप्स काउंट कर लेता है ये। और ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, जो कि आपने देखा होगा, ये भी वैसा ही है। ये मोशन है, ये मोशंस भी और फीचर्स है, जैसे कि स्टेप्स है, फिर से स्किपिंग है, और ये सिटअप्स है, और रिटर्न का बटन है। तो आप ये जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और मोर भी में देखेंगे हम, मोर में अबाउट है, मतलब उसमें वो अबाउट दबाने पे वो मैक A4 कुछ आता है। फिर ये थीम्स है, थीम देखेंगे हम। पहले तो ये वाली थीम है, फिर ऐसी थीम है, फिर ये थीम है, फिर ये, तो यही अच्छी है। तो और दूसरी देख लूँगा मैं, ये शट डाउन का है, अभी मैंने इसको शट डाउन कर लिया, तो ये अभी शट डाउन हो गया। डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट मिल जाता है, और हमारे पास इसके जैसा एकदम सेम टू सेम बैंड है, जो कि ये ऐसा करने पे ये चालू होता है। अभी ये शट है, तो अभी हम इसको चालू करेंगे। तो ये चालू करते वक्त ऐसा दिखता है, और ये चालू करते वक्त ऐसा, ये डिजिटल है, मतलब ये इतना ही सादा है। तो ये मैंने स्टेशन के इधर से मिला मेरे को 80 रुपये में, तो ये कुछ काम का नहीं है। तो ये हमारा वॉच है, और इसकी प्राइस आपको मालूम ही होगी, 370 में मिल गया है ये मेरे को। बॉक्स के ऊपर लिखा है, इधर लिखा है 370, तो ये 370 में मेरे को इतना मस्त ऐसा वॉच मिल गया। और इसकी वारंटी और गारंटी कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वॉच या फिर ये वीडियो पसंद आई होगी, या फिर ये डुप्लीकेट वॉच पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कर डालना। और हमेशा कैनन के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना, और कैनन के कैमरास यूज़ करना, उनकी क्लियरिटी और डिजिटल बहुत है वो। और HD वीडियोस बनाते हैं हम, हमारे सारे वीडियोस इसी से बनाते हैं। तो ऐसे हाथ पे लगाने के बाद इतना मस्त दिखता है, ले लो ना भाई, कम में ही तो है। आपको इन दोनों का फ़र्क जानना है, ये और 80 रुपये वाला, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ये भी निकल ही जाता है, सिर्फ इनके बैंड में फ़र्क है। ये बहुत हिलता है, ये एकदम कड़क है, जो कि अच्छी बात है। और ये जो है ये सिल्वर का है, मतलब ऐसा, और ये ब्लैक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए महंगा है। और ये सस्ता है, 80 रुपये, कुछ नहीं।